और अब बात दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए भयानक हादसे की। आज सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का एक हिस्सा गिर गया, छत गिर गई, कारें दब गईं। हालात ये थे कि एयरपोर्ट पर बना शेड झरना बन गया, वहीं एयरपोर्ट की रेलिंग भी टूट गई। इस हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस हादसे को लेकर कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। क्या एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का ये जो हिस्सा था इसे बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ? क्या देश की छवि खराब करने के पीछे भ्रष्टाचारी जिम्मेदार नहीं है? और इस हादसे के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बारिश के पानी से इतना बड़ा हादसा होना कई लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में FIR दर्ज कर ली गई है। धारा 304A के तहत ये FIR दर्ज हुई है। IPC की धारा 337 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है, 8 लोगों को बताया जा रहा है घायल है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इस पूरे मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज हुए हादसे के बाद देश भर की एयरपोर्ट बिल्डिंगों की जांच कराने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट हादसे की जांच के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर हादसे के जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हादसा आज सुबह 5 बजे हुआ था, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया था। जो कह रहे हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे और पूरी तरह ऐसा हादसा फिर से ना हो इसका हम वो करेंगे। आज रिव्यू मीटिंग रखा है मैंने मंत्रालय में। हादसे को लेकर विपक्ष का आरोप था कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा आज गिरा है उसका उद्घाटन PM मोदी ने इसी साल मार्च में किया था। इन आरोपों को खारिज करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि हादसे वाली बिल्डिंग पुरानी थी जिसका निर्माण 2009 में हुआ था। आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया था। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए। हादसे की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया। और दिल्ली एयरपोर्ट हादसे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि जल्दबाजी में एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन कर दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो वहीं घायलों को 3 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। एयरपोर्ट हादसे को लेकर विपक्षी नेताओं का आरोप है कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने इसी साल मार्च में जल्दबाजी में किया था। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, आज उसकी छत ढह गई। सवाल है कि प्रधानमंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? वहीं उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि हादसे के शिकार हुए अधूरे टर्मिनल 1 का उद्घाटन PM ने जल्दबाजी में किया था। दिखाता है कि कहीं हम रिबन काटने के चक्कर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये जो आदत पड़ गई है कि इलेक्शन से पहले हमें सारे रिबन काटने हैं, पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर, ये उसका एक उदाहरण है। ये एक ये है और एक जो जबलपुर में हुआ है वो है। मंत्री की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो एयरपोर्ट जिसको दिया हुआ है उससे जिम्मेदारी तय करें, उनसे पूछें कि इतना आपको पैसा दिया जाता है पैसेंजर फीस। हमारी हर फ्लाइट की टिकट पे इतनी हैवी पैसेंजर फीस लगती है, उसके बारे में चर्चा करें। ये बचाव में गिर पड़े हैं। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे के लिए कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार को वजह बताते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। ये छत बारिश के कारण नहीं गिरी है, भ्रष्टाचार के कारण गिरी है, लूट की छूट के कारण गिरी है। इसका आपको जवाब देना होगा, इसका नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जवाब देना होगा कि रेत में सीमेंट मिला था या सीमेंट में रेत मिली थी। बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार किसके कहने से हुआ, ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ, ये भ्रष्टाचार कब हुआ। जबलपुर का एयरपोर्ट तो छत गिर जा रही है, दिल्ली के एयरपोर्ट तो छत गिर जा रही है, आदमी असुरक्षित हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, इस भ्रष्टाचार का आप जवाब दीजिए कि इसके जिम्मेवार कौन है। एयरपोर्ट में जैसे कि आपने कहा कि जबलपुर में कल वहाँ पर लीक हुआ, आज दिल्ली के एयरपोर्ट में लीक हुआ, कुछ महीने पहले गुवाहाटी के एयरपोर्ट में लीक हुआ। ये सरकार कहती है हम मंदिर बनाए हैं, आज अयोध्या मंदिर में आज लीक हो रहा है। ये सरकार कहती है कि हमने नया पार्लियामेंट बनाया, आज नए पार्लियामेंट के बेसमेंट में पानी जमा हुआ था, पुराने पार्लियामेंट में
सुबह 4 बजे से वहाँ पे बिजली नहीं थी। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सरकार बड़े उद्योगपति और बड़े कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रही है। और दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है और हादसे के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। टर्मिनल 1 का हादसा अत्यंत शर्मनाक जनक है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस टर्मिनल 1 के हिस्से का 10 मार्च को उद्घाटन करते हैं, आज 2-3 महीने के अंदर वो धराशायी हो गया। 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसलिए मैं कहता हूं, जहां भाजपा वहां भ्रष्टाचार। आपकी जान चली जाए इनको कभी मतलब नहीं। हमने देखा किस तरीके से गुजरात के अंदर पुल गिर गया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो जहां जहां भाजपा है वहां वहां भ्रष्टाचार है। जैसे मोदी साम्राज्य की हालत है वैसे ही टर्मिनल 1 गिरा है। 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था, और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक एयरपोर्ट की जिस बिल्डिंग की छत गिरी उसका निर्माण 2009 में किया गया था। क्या रीजन है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने संज्ञान में लिया है और इसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगा और इसका रिपोर्ट ज़रूर आएगा। लेकिन जहां तक प्राइमा फेसी जो मैं देख रहा हूं, जहां ये इतना जल्दी गिरना, अगर मटेरियल अच्छा यूज़ हुआ होगा तो इतना जल्दी गिरना गिरने की संभावना बहुत कम है। इसी बात पे एक और बात जोड़ूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है कि कहीं किसी और एयरपोर्ट में भी कभी हुआ नहीं है। चांगी एयरपोर्ट मुझे याद है, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, वहाँ पे भी छत कोलैप्स हुआ था। एक बार पेरिस के जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पे भी छत कोलैप्स हुए थे। तो जो बड़े बड़े इमारतें हैं जिसके कंस्ट्रक्शन में पिलर के इस्तेमाल कम और इंजीनियरिंग के इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, वहाँ इसका पॉसिबिलिटी ज़रूर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसके तहत तक जाएगा और हमें जल्द से जल्द पता लग जाएगा।